उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर में मौसम वैज्ञानिक के अनुसार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से कोई भी अलावा की व्यवस्था नहीं है। स्कूली बच्चे ठंड में कांपते हुए स्कूल जा रहे हैं। जीव जंतु ठंड से ठिठुर रहे हैं। आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर जिले के मैदानी क्षेत्र में दिनेशपुर, गूलर भोज, गदरपुर, रुद्रपुर सुबह सुबह कोहरे से ढका हुआ होता है और टप टप करके पानी गिरता है। काफी ठंड पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है, पहले ग्रामीण क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र हो या नगर पालिका क्षेत्र हो, अध्यक्ष, प्रधान एवं अधिशासी अधिकारी अलावा जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करते थे। वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा अलावे की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ठंड पड़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन ठंड से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कब से करता है और अलावा जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कब तक करते हैं। ऐसा है, अब तो ये 3-4 दिन से इतना ठंडा पड़ा कि बच्चे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सर, हम अधिशासी अध्ययनता से एवं हमारे टाउन एरिया के हमारे अधिशासी अधिकारी से निवेदन है कि आप हमारे लिए कुछ लकड़ी का बंदोबस्त कर दीजिएगा, नहीं तो हमारे बच्चे, हमारे बहुत बुजुर्गों ठंड से ठिठुर रहा है, जो कि बाहर निकलना मुश्किल है, बहुत ही ठंड हो रहा है। आप ज़रा मौके पर देखिए क्या हाल है यहाँ का, ज़रा लकड़ी देने का कृपा कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। छोटे छोटे बच्चे ठंड में स्कूल जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? छोटे बच्चे ठंडे में तो निकलना ही मुश्किल हो रहा है, जबकि ऐसे हो रहा है कि कपड़े भी काम नहीं आ रहा है, इतना ठंड, इतना कोहरा कि बहुत दिन बाद ही दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है, हमारे ये मैडम जी एवं हम अधिशासी अभियंता SDM साहब से अनुरोध है कि आप यहाँ कुछ टाउनी व्यवस्था करने की कृपा करें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।